A Thing of Beauty 24 Extract Based Multiple Choice Questions. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma. And today I am back with Extract Based MCQs for the chapter A Thing of Beauty, written by John Keats. So let's begin. The first extract that we have Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such as the sun, the moon, trees old and young. Is sprouting a sady boon for simple seep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make. Gainst the hot season, the mid forest break, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. Now, questions? You must remember, Harek extract pay. आपको फोर क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में जो फोर मार्क के होंगे वट मूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट्स पाल यहां क्लाउड ऑफ सैडनेस के लिए है एनी सेप ऑफ ब्यूटी डेफोडिल्स ग्रीन वर्ल्ड डूम्स करेक्ट आंसर एनी सेप ऑफ ब्यूटी क्लियर्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट्स वट इमेजेस ऑफ ब्यूटी हैज द पोएट रिफर टू हियर ब्यूटी की कौन कौन सी इमेज के बारे में बताया गया इस पोयम में इमेज ऑफ द सन मून एंड ट्रीज ये तो सही है इमेज ऑफ द सीप डेफोडिल्स एंड ग्रीन पास्चर्स ये भी सही है इमेज ऑफ द लिविड स्ट्रीम्स ये भी सही है सो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज वट इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज द थर्ड वन द पोएट मीन बाई ग्रीन वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया किसके लिए है ये ग्रीन फॉरेस्ट डेफोडिल्स ग्रीन सराउंडिंग ग्रीन हाउस ग्रीन वॉल्स करेक्ट आंसर डेफोडिल्स ग्रीन सराउंडिंग जो उसके चार ओर होता है डेफोडिल फ्लावर के विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टिक डिवाइस हैज बीन इन सेडी सेडी बून बून में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है इमेजरी एलिट्रेशन मेटाफर पर्सनिफिकेशन करेक्ट आंसर इमेजरी सेडी बून में क्या है

With unending, everlasting, and eternal joy? Anything that is beautiful creates sadness forever. Anything that is beautiful creates beautiful memories forever. What is the correct answer? The correct answer is anything that is beautiful provides us with unending, everlasting, and eternal joy. What are those things of beauty mentioned in the above lines? Quiet bar.

वट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी नॉट पास इन टू नथिंगनेस नथिंगनेस दैट मीन्स एंड बिकॉज द मेमोरी ऑफ एनी थिंग ब्यूटीफुल विल नेवर एनहैंस अगेन ये तो हो नहीं सकता बिकॉज इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट ये भी नहीं होगा बिकॉज इट लीवस एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन आवर हार्ट एंड सोल इनडेलिबल का मतलब होता है अनइरेजेबल जो इरेज नहीं किया सकता जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता सो दिस इज द करेक्ट आंसर फ्लावरी बैंड अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस दिन ऑफ नोबल ने ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस रिफर्स टू डिस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है सैडनेस डिप्रेशन सो करेक्ट आंसर both one and two. Which word from the following means the same as sun up? Sun up का meaning क्या होगा? Sun up जिसको dawn बोल सकते हैं, prime बोल सकते हैं, उसका synonym यहाँ बताना है आपको. Despondence, morrow, redding, spite. Correct answer, morrow. The next morning, that is dawn, sun up या prime कह सकते हैं आप. वट इज मीनड बाई इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉर्बल नेचर्स इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉर्बल नेचर्स यानी नॉबल नेचर का अभाव हो गया डर्थ मतलब लैक होता है अभाव लैक ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं लैक ऑफ डर्थी पीपुल ये भी नहीं है लैक ऑफ नॉर्बल ह्यूमन बींग्स विद गुड वैल्यूज यस लैक ऑफ नॉर्बल ह्यूमन बींग्स विद गुड वैल्यूज विच आर द फॉलोइंग पोटिक डिवाइस इन रेडिंग ऑफ फ्लावरी बैंड रेडिंग ऑफ फ्लावरी बैंड में कौन सी पोटिक डिवाइस यूज की गई पर्सनिफिकेशन एलिट्रेशन हाइपरबली मेडफा करेक्ट आंसर इज मेड रेडिंग बैंडफा फोर्थ वन वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स डेट वी हैस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक पोरिंग एन टू अस फ्रॉम द्रिंक विच टेल्स डज द पोएट रिफर हियर कौन सी टेल्स के बारे में बात कर रहा पोएट बेड टाइम स्टोरीज ब्यूटीफुलर हॉर्डर स्टोरीस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक क्या मतलब है किड्स का एन एंडलेस सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन एन एंडलेस सोर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बोथ वन एंड टू नन करेक्ट आंसर एन एंडलेस सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ बीन डिवाइसा इन द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टेंजा इन द द लाइन ऑफ़ स्टेंजा, द करेक्ट आंसर बली करेक्ट आंसर हाइपरबली विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन द सेम एज इनडिस्ट्रक्टिबल इनडिस्ट्रक्टिबल जो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा वो क्या होगा Immortal, its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health in quiet breathing. Whose loveliness will keep on increasing? किसकी लवलीनेस बढ़ती जाएगी? ये पूरी की पूरी पoइम किसपे बेस्ड है? Beauty पे। Endymion खोज रहा है Cynthia को, जो उसके लिए a thing of beauty है। म द पोएट इट्स वेरी इजी आई टोल्ड यू जॉन कीड्स विच ऑफ दीज दिन ऑफ सेड सेड का सीनानिम इस एक्सट्रैक्ट में से कौन सा है ड्रीम नई हेल्थ नई बॉर ये सेडी कॉट इज इज नोन एज बॉर वट इज अ ब्यूटिफुल थिंग प्रोवाइड एस एक ब्यूटिफुल चीज हमें क्या प्रोवाइड कराती है स्वीट मेमोरीज स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग ऑल ऑफ दीज यू कैन इजिली आंसर ऑल ऑफ दीज ये सारी चीजें हमको एक ब्यूटिफुल थिंग प्रोवाइड कराती है नौ लास्ट वन डू ठेल मी ऑर स्कोर इन कमेंट सेक्शन आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दीज ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ योर आंसर फ्लावरी बैंड टू बाइंड अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज

हर रोज हम क्या कर रहे हैं गेटिंग रेडी टू वर्क रेडिंग बैंड हैविंग ब्रेकफस्ट नीज करेक्ट आंसर रेडिंग बैंड और अगर ये सेंटेंस आ गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आर वी रेडिंग जब आर वी रेडिंग आ गया तो इन्वर्जन हो जाता है जब सेंटेंस में वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहते हैं तो वो होता है इन्वर्जन नाउ लास्ट वन इन दिस वीडियो फ्रॉम विच इविल थिंग्स डू वी पोजेस एन सफर किन चीजों से हम सफर करते हैं मैलिस हेटरेड डिसपॉइंटमेंट करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आई होप यू ऑल हैव डन वेल